हाँ, तो अगर दोनों सेम काम करते हैं तो कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं करते हैं ना सेम काम। हाँ, तो उसमें तुम ये बता सकते हो कि ज्यादा करंट था कि कम करंट था, बट गैल्वेनोमीटर में तुम ये नहीं कंपेयर, ये मेजर नहीं कर सकते कि कितना करंट था उसमें, सिर्फ तुम कंपेयर कर सकते हो कि अच्छा ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ तो ज्यादा करंट होगा, कम डिफ्लेक्ट But then, हुआ। so then when in like practicals and all, when we use galvanometer to measure the readings, उसमें that the, it's not the value that's important. It's like किसमें ज़्यादा हुआ, किसमें कम reflection हुआ, like that. वैल्यूज कैसे दिया होगा, मतलब इट वुड नॉट से हम दैट इट मेजर इज वन, करते हैं क्या बेस्ड ऑन लीस्ट काउंट, वी कैन मेजर ना लाइक 0.2 0.3 लीस्ट काउंट नहीं, करके बट द व्हाट नंबर इज ऑफ दैट एम्पियर, इज दैट मिली एम्पियर, उसमें यूनिट्स थोड़ी लिखे हुए हैं। लेट मी शो यू हाउ गैल्वेनोमीटर लुक्स लाइक, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो देखो उसमें नंबर्स लिखे हुए हैं बट उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि एम्पियर है, ठीक है? तो उससे तुम ये देख सकते हो कि कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, बट यू कैन नॉट रियली ऑल मेजर। द लाइक फिगर ऑफ मेरिट वगैरह वो सब, जब हम व्हेन वी मल्टीप्लाई दैट बाय 30 लाइक द नंबर ऑफ डिविजन्स, तो उससे हमको करंट ही मिलता है ना, मैक्सिमम करंट वो कितना एमीटर डिफ्लेक्ट हुआ ना, होता दैट इज एमीटर। है। ओह, इन गैल्वेनोमीटर आल्सो सी, कायदे से गैल्वेनोमीटर इज सपोज टू बी, लेट मी ओपन दिस, हाँ, गैल्वेनोमीटर इज सपोज टू बी देयर ओनली टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट, क्योंकि वो सिर्फ के थीटा पे चल रहा है ना, जो हमारी या जितना भी हमने ये सब लिया हुआ है के थीटा, वो बहुत ही छोटे एंगल्स के लिए होता है। ओके, तो इसका मतलब हम छोटे छोटे करेंट्स को उससे, अगर तुम मेजर करना चाहो तो बेसिकली कितना थीटा मूव किया उससे मेजर कर सकते हो, बट एक्चुअली गैल्वेनोमीटर इज नॉट फॉर मेजरमेंट, एमीटर इज फॉर मेजरमेंट। बट नेवर स्मॉल, एनी प्रैक्टिकल वी यूज एमीटर, व्हाई? मेरे को क्या पता, अपने प्रैक्टिकल में पूछो ना भाई तुम। अरे बट सर, वी यूज गैल्वेनोमीटर ओनली, वो सब जो हम के इनटू एन ऑल दैट इज डन इन गैल्वेनोमीटर ओनली, तो उसमें हम लोग करंट मेजर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो भाई, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तुमने एक्सपेरिमेंट डिटेल में में बताया हम लोग गैल्वेनोमीटर कौन यूज सा करते हैं, एक्सपेरिमेंट, सब मतलब कौन सा, इसलिए एक्सप्लेन टू मी दी एक्सपेरिमेंट, देन आई विल बी एबल टू टेल यू व्हाई यूजिंग कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर देयर। ऑफ दैट इज द वोल्ट मीटर टू गैल्वेनोमीटर, बट उसमें तो फिर वो क्या बोलना चाहती हो भाई? बिकॉज वी नेवर यूज एमीटर, आई हैव नेवर सीन अरे तो एमीटर मैं क्या बीइंग करूं इफ यू डोंट यूज एमीटर, तो दैट डजंट चेंज इट्स फंक्शन। व्हाट अदर प्रैक्टिकल हैव वी डन सिया? Can we complete this? Then later when you figure this out, you can tell me. Okay. Galvanometer ओके is for small currents to detect them. You can measure them with this. ये current कितना हुआ? G theta, right? But this is for very small currents कि जितना angle move किया है वो, और ये अगर G का value constant है तो उससे तुम current थोड़ा बहुत estimate कर सकते हो. But it's not supposed to be to measure current. It's supposed to be to detect current. Okay? Now to measure current we have ammeter. Had an experiment to measure current. We only had for divisions. That's why we didn't use Sorry, ammeter. what? We only had divisions, so we didn't use ammeter because we didn't need to measure current. But in Ohm's law also we use galvanometer. I didn't Ohm's law. Ohm's law mein toh we need Can current ka we measure. not debate on something which is not right now important because you don't have time? Okay, let's finish this. Once you are very clear with what you are going to say, then tell me. Abhi right now, if you keep debating on what experiment you're doing, तो फिर वो तो कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज तुम्हें नहीं पता तुम क्या एक्सपेरिमेंट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर एमीटर, इट्स रेजिस्टेंस नीड्स टू बी लोअर्ड।
so that maximum current can pass through it and it can give exact readings. ये भी एक issue है. Why do you not use galvanometer? क्योंकि इसमें ज़्यादा resistance है. Why do you not use galvanometer? Because ये बोला ना इसने to convert a galvanometer ammeter, its resistance needs to be lowered. So that maximum current can pass through it and it can give exact reading. अगर तुम्हारी डिवाइस में ज्यादा रेजिस्टेंस है तो इट विल चेंज द करंट फ्लो बिकॉज इट्स एडिंग टू द रेजिस्टेंस. ओके ओके. अब ये देखो, इसके लिए हम लगाते हैं शंट. शंट है अलग सा एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, और ये गैल्वेनोमीटर. ठीक है, अब यहां से करंट आ रहा था तो जो करंट गैल्वेनोमीटर जा रहा है उसको हम कहेंगे आई जी, और जो करंट शंट में जा रहा है विच इज आई माइनस आई जी. ठीक है ओके. तो S, अभी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट इज व्हाट, आई आर. वी इक्वल्स टू आई आर ना. तो I माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी. क्लियर पीपल? संस्कृति कुछ भाई, कुछ तो बोलो या कुछ तो नॉट तो कुछ, मतलब आई यू सो ब्लैंक. अरे तो इन दो पॉइंट के बीच में कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? I into R, which is I minus IG into S. Yes. And IG into G. So I minus IG into S equals to IG into G. Yes, no. Yes. Again, why are you so confused? What happened? भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई इंटू रेजिस्टेंस. इधर का रेजिस्टेंस जी है, इधर का रेजिस्टेंस एस है, तो आई जी इंटू जी या फिर आई माइनस आई जी इंटू एस. तो वहां से आ गया एस इक्वल्स टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी बिकॉज वी डिड आई माइनस आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी इंटू जी. राइट, तो ये हो गया शंट का रेजिस्टेंस. ओके, I is the total current in the circuit, G is the resistance of galvanometer, S the resistance of shunt, which is of low resistance. And low resistance होएगा तो क्या होगा, I minus IG की value बहुत बढ़ जाएगी. तो यहाँ इसकी जो value है बहुत कम हो जाएगी. तो most of the current is flowing इधर से. ठीक है ओके. फिर क्या होएगा, अरे ये क्या हुआ, ओके A galvanometer of resistance 15 ohm gives full scale deflection for a current of 2 milliampere. Okay, that's on another thing, Kaveri. Yeah. कि छोटे छोटे करंट में फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता, क्योंकि पूरा टॉर घूम जाता उसको, जितना पूरा घूमना तो पूरा घूम जाता है छोटे करंट. उसके कारण से कुछ तो नहीं. If it's like more than IG, but also, but the value is very low, it will still show full deflection. So we won't be able to know the value. We can't measure. Okay. Yeah. So अभी full scale deflection अगर वो 2 milliampere पे दिखाता है, calculate the shunt resistance needed to convert it into an ammeter of range 0 to 5 ampere. इसका मतलब जो full current हमको मिल रहा है वो 5 ampere होना चाहिए. IG, ये I जो है वो 5 ampere होना चाहिए. इसमें IG कितना है, IG है 2 milliampere, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के थ्रू मैक्सिमम करंट जा सकता है 2 milliampere, राइट? और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ 15 ओम, तो वहां से तुम शंट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, राइट? ठीक है, क्लियर? ऐसे ठीक है. तो अब ये लगाएंगे अगर हम, तो जाके गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं उस रेंज का. Similarly, conversion of galvanometer into voltmeter. To convert galvanometer to voltmeter, its resistance need to be increased so that there is no potential drop across it. With high resistance, no current passes through it. तो अगर resistance बहुत बढ़ा देंगे, उसके through current नहीं जाएगा. Current नहीं जाएगा तो उसका potential drop नहीं होगा. Okay. So high resistance is connected in series with the galvanometer. Then the value of R is given by V upon IG minus G
तो ये हो गया V अपॉन IG माइनस G विल गिव यू R, राइट? ये सब खुद से डिराइव कर सकते हो. Is this the last part? Yeah. Done. R equals to V upon IG minus G. Yeah, done. Okay, with this, we have completed our chapter. Now, you have this document with you. Hey, document, that I will send back. Usse aaj thoda bahut practice karo. थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा प्रैक्टिस करो तो तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा. पहले जो हमने अभी टॉपिक्स किए हैं उनके जो एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स होंगे उनको भी करो प्रैक्टिस. मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक चार्ज. दिस इज अ हाई वेटेज टॉपिक प्रैक्टिस. ओके, ऑलराइट, डन. चलो, बाय बाय. थैंक यू सर. बाय.